क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं. इस क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि इम्पीडेंस मैट्रिक्स निकालना है. तो एक्चुअली ये कहना चाहता है कि बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है. और यहाँ पे ये दिया हुआ है बस नंबर 1, और ये जो बस है ये है बस नंबर 2, और ये है रेफरेंस बस 0. तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ. तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 1 ओम, और ये हो गया रेफरेंस बस, ये हो गया 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम. दिस इज बस नंबर 1, दिस इज बस नंबर 2. तो मैंने आपको बता दिया था ट्रिक क्या है. बस नंबर 1 पर 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट करिए, और बस नंबर 1 की वोल्टेज और बस नंबर 2 की वोल्टेज को फाइंड आउट करिए. ये हो गया Z11, ये हो गया Z12. और इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेफरेंस बस को छोड़कर हमारे पास 2 बसेस हैं, तो साइज ऑफ द बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स विल बी 2x2. ये हो गया Z11, Z12, ये हो गया Z21, ये हो गया Z22. तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, ये फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस नंबर 1 पर 1 एम्पियर का करंट इंजेक्ट करके फाइंड आउट करते हैं. तो ठीक है, बस नंबर 1 पे हम करंट सोर्स इंजेक्ट कर देंगे, Z11, Z12 की वैल्यू हमें पता चलेगी, और Z11 की वैल्यू V1 के बराबर होगी, Z12 की वैल्यू V2 के बराबर होगी. तो बस इसमें नेटवर्क एनालिसिस लगानी है, और आप मेरे ख्याल से नेटवर्क एनालिसिस में अच्छे होंगे. तो देख लीजिए, मैं लगा देता हूँ. देखिए 2 और 3, मुझे यहाँ V1 की, ये बस नंबर 1 की वोल्टेज फाइंड आउट करनी है. 2 और 3 सीरीज़ में है, तो 2 और 1 सीरीज़ में है, 2 और 1 सीरीज़ में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 3, और ये हो गया, ये है 2 ओम, 1 एम्पियर का करंट सोर्स है. 3 और 2 का इक्विवेलेंट हो गया, प्रोडक्ट अपॉन सम कर दीजिए, ये हो गया, ये 1 एम्पियर. तो यहाँ पे कितना वोल्टेज अपीयर होगा, याद रखिए ये जो रेफरेंस बस है इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, हमेशा होता है. तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, 6/5. तो V1 की वैल्यू हो गई 6/5, और V2 की वैल्यू कितनी होगी. V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये जो 1 एम्पियर की करंट सोर्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, I1 में और I2 में. तो I1 निकालने का कोई फ़ायदा है नहीं, आप I2 फाइंड आउट करिए. I2 फाइंड आउट करना है तो आप मेन करंट इस रास्ते पर निकालना है करंट, तो बगल वाले रास्ते का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम. तो ये हो गया 3 और 2 5, यानी 2/5, यानी यहाँ से जाएगी 2/5 एम्पियर की करंट ऐसे जाएगी. तो बस नंबर 2 पे कितना वोल्टेज डेवलप होगा, ये 0 वोल्ट है, करंट ऐसे आ रही है. अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट द पोटेंशियल विल राइज, इट विल इंक्रीज. सो 0 + 2 × 2/5, सो इट विल बी 4/5, सो दिस विल बी 4/5. तो हमें पता चल गया कि Z11 की वैल्यू कितनी है, 6/5, Z12 की वैल्यू कितनी है, 4/5, और जो Z12 की वैल्यू होगी वही Z21 की भी वैल्यू होगी. ठीक है, अब हमें Z22 की वैल्यू निकालनी है. Z22 की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो यानी रो नंबर 2 की अगर सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो बस नंबर 2 पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स हमें इंजेक्ट करना होगा. यह है बस नंबर 1, यह है बस नंबर 2, और यह है 2, 1, 2, यानी 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम. तो अगर हम बस नंबर 1 की वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, आप नेटवर्क एनालिसिस अप्लाई करके आप देख लेना, V1 की जो वोल्टेज आएगी वो 4/5 होगी. अगर मैं V2 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये जो पहले रास्ते पर रेजिस्टेंस है वो है 3, दूसरे वाले रास्ते पर रेजिस्टेंस है 2, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम 6/5, और यहाँ 1 एम्पियर का करंट सोर्स आ रहा है,
तो यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगी वो 6/5 वोल्ट होगी, यानी Z22 कितना हो गया 6/5। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं आंसर को, तो ये हो गया 6/5, 4/5, 4/5, 6/5, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।